हे गाइस नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो इसलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मेरे हैं शाम के 5:30 बजने वाले हैं, 5:30 बज रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ चाचा जी के साथ मंदिर, उधर देखिए वहाँ खड़े हैं। और नदी में इतनी ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा, देखिए इतनी ज़्यादा। आज सुबह को इतनी तेज़ बारिश हुई, 1 घंटे तक बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तगड़ी बारिश हुई भाई। हाथ पानी भयंकर जा रही है नदी में, देखिए उधर से बाइक नहीं पार हुई। तो इधर से सोचते हैं, इधर से रास्ता है, अब देख रहे हैं रास्ता मिल जाए तो बाइक पार होने के लिए। देखिए भाई पानी कितनी जा रही है, बहुत ज़्यादा पानी है। मैं तो घुसा था, देखिए मेरा पैंट यहाँ तक गीला हो रखा है। तो जा रहे चाचा जी, जीजा जी चलो खेती में। फाइनली हमने पार कर लिया किसी तरह से। हम भाई बहुत मुश्किल थे, बीच में गड्ढा था, पानी की बहाव तेज थी। मैंने सोचा बाइक गई, इतनी बहुत तेज है बाइक, बाइक तो आधा गिर ही चुका था। तो चाचा जी ने बाइक को सीधा करा, वो जोर से धक्का लगा। तो मैंने इधर एक्सेलेटर ली तो किसी तरह उठ गया, धकेल धकेल के उठाया चाचा जी ने। पूरा सपोर्ट चाचा जी का था, नहीं तो बस बाइक गई थी नदी में। तो कैसे हमें दो जगह रुका गया, हर जगह बैरियर लगा रखे हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए, यहाँ रख दिया गाड़ी को। इधर से घुसने नहीं देते। देखिए अब पूरा मंदिर खाली है, अब रुका जाता है, अब VIP टिकट लेके घुसने के लिए दिया जाता है अंदर। पूरा मंदिर खाली है, लेन वाला गेट खोला गया तो देखिए कितनी भीड़ है। अभी खुला हुआ अभी तुरंत, थोड़ी देर पहले खुला हुआ भाई, बहुत बड़ी लेन लगा के रखते हैं, पिछले आधे घंटे से इतनी भीड़ होती है। तो है गए सभी, बज रहे हैं रात के 10:30 और अभी घर के लिए निकल पड़े हैं। बैटरी 1% बचा हुआ है, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग ना करते हुए चलो चलते हैं अब सीधे घर को। अब घर में ही हो पाएगा, गाड़ी यहाँ पार्क करा था तो यहाँ से ले रहे हैं। तो है गाइस ये दूसरा दिन, और रात को आया था, जैसे आया फ़ोन चार्ज तो नहीं था, चार्ज में लगाया और खा भी के सो गया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, अभी बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि बिलपत्र तोड़ने जाऊँ इनसे मिली। हाय बोल दो गाइस, क्या है अच्छा ऐसे। तो अभी आ गए हैं बेलपत्र तोड़ने के लिए, यहाँ पे इस पेड़ से तोड़ूँगा, बांस लगा के छोड़ूंगा, इसको लगा देता हूँ, किसी टहनी में लगा दूँगा। तो मैंने लगा दिया बांस, अब चढ़ते हैं सीधा, इस बांस के सहारे चढ़ जाऊँगा। तो मैंने तोड़ लिया, अब चलो चलते हैं घर को। धूप भी आ गई, देखिए कितनी तेज़ है। तो अभी घर आ गए, फटाफट से नहाते धोते हैं फिर चलते हैं मंदिर के लिए। मंदिर में घुसने के लिए नहीं दिया जाता, फिर भी देखते हैं फिर से घुसूँगा। तो मैंने नहा धो लिया, खा भी लिया, रेडी भी हो गए, अब चलते हैं मंदिर, सारा सामान भी ले लिया इनसे मिलिए। देखिए कितना घूम के जाना पड़ रहा, कितनी बड़ी लेन है, लंबी, बहुत लंबी लेन लगती है, पूरे सिंगा साइड में घुमाया जाता है, पूरा घूम के जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है बाबा मंदिर, जगह जगह LED मिल जाए कदम कदम पर। अब पहुंचा, तभी आ गए अंदर और बहुत लंबी लाइन थी, देखिए बोलबमों की भीड़। तो हे गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5, मैं जा रहा हूँ घर को, पिताजी आ चुके हैं, पिताजी 4 बजे आए थे, मैं जा रहा हूँ 5 बजे घर, बहुत लेट कर गए, चलो
चलो चलते हैं घर पर। तो मैं साइकिल से जाऊंगा, पापा जी जाएंगे बाइक लेके, धीरे धीरे चले जाऊंगा। धूप भी नहीं है, शाम भी हो चुके हैं। अभी पानी पूरी खाने के लिए रुके थे तो खा लिया यहाँ से। इस सारा रास्ता तय कर लिया मैंने, मैं जा ही रहा हूँ साइकिल से। चलो जल्दी पहुँच जाऊँगा, अभी तो ये डाउन एरिया है, बिना पेडल मारे जा रहा हूँ। थक गया होगा इस, आज तो पूरा दिन वहीं पर रहा। मस्त अभी शांतिदार जगह पर आ गया हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वहाँ तो हर वक्त टन टन बन बन, कभी इधर से कभी उधर से हल्ला होते रहता है। जो तक मंदिर खुला रहता है तब तक हल्ला होते रहता है। उस हल्ले में रहे तो किसान का क्या हाल होता है, और कैसे सहते हैं वहाँ के लोग। जिसे आदत हो जाती है वो तो रह लेंगे, अब धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। हैबिट सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइस। चलो चलते हैं अब। आज पानी का बहाव बहुत कम है, देखिए 24 घंटे में कितनी कम हो गई पानी। चलो देखते हैं कितने पानी। कल तो इस ओर से मैंने पार करा था बाइक को, यहाँ पे हुआ था यार, यहाँ पे गड्ढा है एक, वजह से मैं बाइक ला रहा था। बहाव तेज थी उस वक्त, अभी तो कुछ भी तेज नहीं है। इस ओर से चलते हैं, देखिए बाइक के टायर्स के निशान हैं यहाँ पे। चल भाई, तो बहुत कम है, इधर से ही सही था। कल तो वहाँ तक पानी था गाइस, वहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ भरा हुआ था फुल। पैर हाथ धो लेता हूँ यहाँ पे, चलिए पैर हाथ धो लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो चलो गाइस, अब घर को चलते हैं। मैंने पैर हाथ मुँह धो लिया सब कुछ, चलते हैं घर को अब। अभी गाइस अभी घर आ गए, 6 बज रहे हैं अभी। छुटका से क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? उधर आ जा, हाल है अपना नाम बताओ। भाग गई, ये भी गए। हे गाइस अभी वेरी नाउ, और मैं अभी रात का खाना खाऊंगा, रोटी सब्जी, कटहल की सब्जी है और परवल की सब्जी है, रोटी है, दाल है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद एडिटिंग करूंगा। तो गाइस मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर लिया, इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अभी 10:11 बज गए, तो उम्मीद करता हूँ अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नहीं है इस चैनल पे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।